बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त और अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। मैं हूँ नजफ अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियाल मोटर्स। आज की इस न्यू वीडियो के अंदर मैं अपने प्यार दोस्तों की पेशे खिदमत में एक खूबसूरत बेहतरीन और अप मॉडल गाड़ी का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ, जिस गाड़ी को आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। टोटली ये गाड़ी जो है अपनी जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है। इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपके बजट के मुताबिक होगी, जेन्युइन कंडीशन में है और बेहतरीन और ब्रांड न्यू हालत में आपको देखने को मिलती है। जैसे हिसाब से इस गाड़ी की कंडीशन है, उस हिसाब से इस गाड़ी की कीमत जो है वो इंतहाई मुनासिब रखी गई है। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपके बजट के मुताबिक होगी। इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, गाड़ी के ऑनर का रबता नंबर, प्राइस, मॉडल और ये गाड़ी कहाँ पर मौजूद है, सारी तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। जो दोस्त भाई भी इस गाड़ी को ख़रीदना चाहता है, अगर इंटरेस्टेड है तो उनसे गुजारिश है वो वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक लाजमी देखे, वीडियो को कहीं से भी स्किप न करें ताकि इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बआसानी उस तक पहुंच सके। और जो दोस्त भाई भी गाड़ियों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है और इस चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके बैल के आइकन को ऑल पर इनेबल कर दे ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बआसानी उस तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2012 मॉडल ये गाड़ी है और 2014 की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। टोटली जेन्युइन कंडीशन में आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी, इंटीरियर साइड से भी और एक्सटीरियर साइड से ये अपनी जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है। सबसे पहले हम गाड़ी के एक्सटीरियर डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। प्यार दोस्तों गाड़ी एक्सटीरियर से आपको अपने ओरिजिनल रंग में देखने को मिलती है, दोबारा शावर वगैरह नहीं कराई गई। एक्सटीरियर साइड से गाड़ी आपको नीट और क्लीन स्क्रैचलेस कंडीशन में देखने को मिलेगी। निचले हिस्से में थोड़े बहुत सी स्क्रैच वगैरह और थोड़ी बहुत सी रंग वगैरह आपको लगी हुई नज़र आती है, बाकी ऊपर से ये गाड़ी आपको बेहतरीन और ब्रांड न्यू हालत में देखने को मिलेगी। साइडों की बात की जाए तो आप साइडें भी चेक कर सकते हैं, गाड़ी की साइडें भी स्क्रैचलेस हैं, जंग वगैरह से पाक हैं, कोई भी स्क्रैच वगैरह आपको लगा हुआ नज़र नहीं आता। जैसा कि आप वीडियो के अंदर मुलायजा कर सकते हैं, गाड़ी में आपको कोई भी माइनर सा टचअप और मेजर टचअप भी देखने को नहीं मिलता। गाड़ी फ्रंट बैक और साइडों से बेहतरीन कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि यह गाड़ी किसी भी एक्सीडेंट में भी इन्वॉल्व नहीं रही है, किसी भी हादसात वगैरह में भी ये गाड़ी मुलविस नहीं रही है। अगर बात की जाए गाड़ी की टायरिंग कंडीशन के बारे में तो प्यार दोस्तों गाड़ी में आपको 70% बेहतरीन कंडीशन में अच्छे रेम के साथ टायर इंस्टॉल मिलते हैं। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं 70% अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी के अंदर टायर इंस्टॉल मिलते हैं। चारों टायरों पर आपको सिंपल रेम इंस्टॉल मिलेंगे, LRM इंस्टॉल नहीं कराएगी, कोई भी टायर आपको कहीं से भी सेकंड हैंड और ख़राब नज़र नहीं आता। प्यार दोस्तों गाड़ी की डिफरेंट एंगल से मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप तसल्ली से चेक कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब ओरिजिनल है, ओनर के कहने के मुताबिक हैं। अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर डिपार्टमेंट्स के बारे में तो प्यार दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर भी आपको सामने वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हैं। इंटीरियर साइड से भी गाड़ी आपको बेहतरीन हालत में देखने को मिलेगी। गाड़ी के तमाम सीट कवर्स आपके सामने हैं, गाड़ी के तमाम सीट कवर्स आपको बेहतरीन और ब्रांड न्यू हालत में देखने को मिलते हैं। कोई भी सीट कवर्स आपको कहीं से भी सेकेंड हैंड और ख़राब नज़र नहीं आता, आप चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड भी आपके सामने है, बैक सीट कवर जो है वो भी आप देख सकते हैं। तमाम को तमाम सीट कवर बेहतरीन कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। डैशबोर्ड की बात की जाए तो प्यार दोस्तों गाड़ी के डैशबोर्ड जो है वो भी लश कंडीशन में है, नीट और क्लीन स्क्रैचलेस है, जो कि आपको न्यू बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटीरियर साइड से आपको गाड़ी के अंदर से थोड़ा बहुत ऐसा पेंट वगैरह उतरा हुआ नज़र आएगा, बाकी ये गाड़ी बेहतरीन और ब्रांड न्यू हालत में आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी इंटीरियर और एक्सटीरियर से 100% ओके है, किसी किस्म की खराबी वगैरह आपको उस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिली थी। गाड़ी में 1 रुपये का भी वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आप इसे खरीद के ड्राइव कर सकते हैं। इस गाड़ी की लोकेशन है कसूर, कसूर में फेल वक्त ये गाड़ी मौजूद है और इस गाड़ी का ओनर जो है गाड़ी का 23 लाख रुपया डिमांड कर रहा है। जो दोस्त भाई भी गाड़ी के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है या कीमत में मज़ीद कमी पेशी करवाना चाहता है तो ओनर से रब्ता करके मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर सकता है। गाड़ी के ओनर का रब्ता नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।